तो इस केक को प्रिपेयर करने के लिए हम यहाँ पर एक माइक्रोवेव से बोल ले लेंगे। आप इस प्रोसेस को गैस पर भी कर सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप जैगरी, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है, इसमें ऐड कर लेंगे। आप इस जैगरी की जगह नॉर्मल शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसे कैरामेलाइज करेंगे। कैरामेलाइज आप गैस पर भी कर सकते हैं, मैं इसे माइक्रोवेव में करने जा रही हूँ। इसे 30 से 1 मिनट तक इसे हम माइक्रोवेव कर लेंगे बिना वाटर को ऐड किए हुए, तो हमारी जो जैगरी है वो अच्छे से कैरामेलाइज हो जाएगी। तो चलिए इसे माइक्रोवेव के अंदर रखते हैं और इसे अच्छे से कैरामेलाइज कर लेते हैं। इसे माइक्रोवेव करने के लिए हम यहाँ पर 30 से 1 मिनट का टाइम लगाएंगे, और अगर जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर और हम टाइम को इंक्रीज कर लेंगे। तो स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं 1 मिनट में मैंने माइक्रोवेव की हाई पावर पर इसे मैंने 1 मिनट माइक्रोवेव कर लिया है। आप देख सकते हैं ये इस तरह कैरामलाइज हुई है। तो इसे हम 30 सेकंड और कैरामलाइज कर लेंगे ताकि ये जो बची हुई जैगरी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। तो आप देख सकते हैं जैगरी हमारी यहाँ पर अच्छे से कैरामलाइज हो गई है। आप इसी प्रोसेस को मॉर्फी रिचर्ड्स में क्विक स्टार्ट बटन से भी कर सकते हैं। जैसे एलजी के ओवन में भी क्विक स्टार्ट बटन होता है, वैसे ही मॉर्फी रिचर्ड्स में भी क्विक स्टार्ट बटन होता है। तो अगर आपके पास मॉर्फी का ओवन है, आपको दोनों ही प्रोसेस में क्विक स्टार्ट बटन से माइक्रोवेव की पावर 1 से 2 मिनट में इसे माइक्रोवेव कर लेना है। इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें हम 1/2 कप वाटर ऐड कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे इसे, क्योंकि शुगर हमारी यहाँ पर जम रही है। तो इसे हम 30 सेकंड के लिए और माइक्रोवेव कर लेंगे। आप इस प्रोसेस को गैस पर कर सकते हैं। तो इसे हम 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे 30 सेकंड और माइक्रोवेव कर लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर हम। तो अब हम इसी के साथ ही यहाँ पर हम फ्लेवर इस्तेमाल करेंगे। फ्लेवर आप यहाँ तो प्लम केक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास प्लम केक का फ्लेवर नहीं है तो आप इसकी जगह पर वनीला फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास ये ऑरेंज फ्लेवर हो तो आप इस प्लम केक में ऑरेंज फ्लेवर का इस्तेमाल करें। इससे बहुत ही अच्छा प्लम केक आपका बनता है, और अगर प्लम केक का फ्लेवर है तो आप यहाँ पर प्लम केक भी ऐड कर सकते हैं। तीनों ही फ्लेवर बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं। प्लम केक के लिए यहाँ पर ऑरेंज फ्लेवर इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून, और इसे इसमें ऐड कर लेंगे। तो अब हम इस फ्लेवर को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये मिक्स हो गया है। तो अब हम इस जैगरी में बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। आप इनमें से कोई भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे प्लम केक रिच होते हैं ड्राई फ्रूट से। प्लम केक के लिए हमें इन ड्राई फ्रूट्स को सोक करके रखना होता है ताकि इसमें फ्लेवर अच्छे से आ जाए। इसलिए मैंने यहाँ पर शुगर में फ्लेवर ऐड किया है। आप यहाँ पर रम भी यूज कर सकते हैं इसे फ्लेवर करने के लिए, और आप यहाँ पर फ्रूट जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल चीज जो कि घर पर होती है उसी से प्लम केक को बनाना बता रही हूँ। तो अब हम इसमें बारी बारी ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो इसमें हमने किशमिश काट कर रखी है, उसे ऐड कर लेंगे, और काजू भी ऐड कर लेंगे, और ये यहाँ पर वॉलनट्स मैंने काट कर रखे हैं, इसे ऐड करेंगे, और ये आलमंड्स थोड़ा हम अभी मिक्स कर लेते हैं, और कम पड़ेगा तो इसमें हम और ऐड कर लेंगे, और ये थोड़े से यहाँ पर पिस्ता। और अब हम यहाँ पर टूटी फ्रूटी ऐड करेंगे। आपके पास जो भी कलर हो आप यहाँ पर टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल कर लें। तो मैं अलग अलग कलर इसमें ऐड कर रही हूँ। ये होममेड टूटी फ्रूटी है, इसकी रेसिपी आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, जिसे मैंने घर पर बनाया है। तो इसे इसमें ऐड कर लेंगे। ये येलो कलर की टूटी फ्रूटी है, और ये ग्रीन कलर, सभी को इसमें हम ऐड कर लेंगे। और ये मैंने यहाँ पर चेरी थोड़ी सी काट कर रखी है, इसे ऐड कर लेंगे, और इसके बाद ये ब्राउन कलर की टूटी फ्रूटी है, इसे भी इसमें ऐड कर लेंगे, और साथ ही इसमें थोड़े से मैंने डेट्स रखे हैं काट कर, इसे ऐड कर लेंगे इसमें। तो अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 24 आवर के लिए इसे हम कवर कर लेंगे। इससे क्या होगा, अच्छे से फ्लेवर इस ड्राई फ्रूट्स में आ जाएगा। और अगर आपको जल्दी हो तो आप इसे 2 घंटे के लिए सोक करें, फिर उसके बाद अपने केक में इसे इस्तेमाल कर लें। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं, फिर उसके बाद इसे हम अपने केक में इस्तेमाल करेंगे। और अब हम इसके बाद एक दूसरा बोल ले लेंगे, और इसके ऊपर हम यहाँ पर एक स्ट्रेनर को रखेंगे, और इसमें हम ऐड करेंगे 2 कप फ्लार। आप यहाँ पर गेहूं के आटे से भी इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर प्लेन फ्लार यानी कि मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसे इसमें ऐड कर लेंगे, और यहाँ पर 1/2 कप, और इसके बाद इसमें जाएगा 1/4 कप कोका पाउडर। ये डच प्रोसेस वाला कोका पाउडर है, जिसे इसमें ऐड कर लेंगे। आप यहाँ पर कोका पाउडर कम भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर, और 1/2 टीस्पून हम यहाँ पर ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। और अगर आपके पास मिल्क पाउडर या कंडेंस्ड मिल्क है तो आप उसे भी इस केक में यूज़ कर सकते हैं, उससे आपका केक और भी अच्छा तैयार होगा। अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप यहाँ पर 1/4 कप मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे हम स्टेन कर लेंगे। तो हम यहाँ पर बिना मिल्क पाउडर के केक बना रहे हैं, तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून सिनेमन पाउडर, जिसे आप दालचीनी भी कहते हैं। दालचीनी को आप ग्राइंड कर लें, उसका पाउडर तैयार कर लें,
यहाँ मैंने इसे 1/4 टीस्पून लिया है और 1/4 टीस्पून हम यहाँ पर जायफल का पाउडर ऐड करेंगे। इन दोनों पाउडर से ही जो प्लम केक का फ्लेवर है वो अलग हटके केक में आता है, इसीलिए प्लम केक का टेस्ट थोड़ा यूनिक हो जाता है। तो इसे भी इसमें हम स्टेन कर लेंगे और इन दोनों को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे यहाँ पर जिंजर पाउडर, यानी कि जिसे सोट भी कहते हैं। आप इसे स्टेन करके भी ऐड कर सकते हैं, मैं इसे भूल गई थी ऐड करना। और इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो हमने जो ड्राई फ्रूट्स को भिगा कर रखा था उसे हम चेक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर अच्छे से सोक हो गए, और जो ड्राई फ्रूट्स हमने इनमें सोक किए हुए हैं इसे हम स्टेन कर लेंगे। और आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से स्टेन कर लिया है। और अब हम इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच यहाँ पर प्लेन फ्लावर यानी मैदा स्प्रिंकल करेंगे और इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। इसे ऐड करने से क्या होता है, हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो केक में इवनली फैलते हैं। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली इसे केक बैटर में मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि आपका केक बिल्कुल बेकरी जैसा बने। और जो हमने जैगरी का सिरप बनाया था और जिसे मैंने स्टेन भी किया था उसे इस बैटर में मिक्स करेंगे और इसे चला लेते हैं ऐसे। और इसी स्टेज पर जो हमने ड्राई फ्रूट्स अलग किए थे उसे इसमें मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा थिक है तो अब हम यहाँ पर बटर मिल्क या आप दही भी ऐड कर सकते हैं या फिर यहाँ पर मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, तो इसे ऐड कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे इसे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह बैटर हमारा है, बहुत थिक दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पर 1/2 कप रिफाइंड ऑयल ऐड कर रहे हैं। आप इसकी जगह पर बटर भी ऐड कर सकते हैं, इससे हमारा केक मॉइस्ट रहता है। और इसके साथ ही हम यहाँ पर 1/2 कप पाउडर शुगर ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैंने जैगरी ऐड की है। आप चाहें तो केवल जैगरी ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पर शुगर और जैगरी दोनों ऐड कर रही हूँ। तो इसे इसमें ऐड कर लेंगे, सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा केक बैटर यहाँ पर रेडी हो चुका है। प्लम केक का बैटर थिक रहता है, इसे कट एंड फोल्ड मेथड से इसे हमें चलाना होता है इस तरह से। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक केक टिन ली है जिसके ऊपर मैंने बटर पेपर रखा है और इसे हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो अब हम इस केक टिन में केक बैटर को ट्रांसफ़र करेंगे। तो अब हम इसे टैप कर देंगे। तो इसके ऊपर थोड़े से हम टूटी फ्रूटी ऐड कर लेंगे और थोड़े से काजू और किशमिश ऐड कर लेंगे। तो अब ये हमारा केक बेक होने के लिए तैयार है। तो अब हम इस ओवन को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रीहीट कर लेंगे। प्रीहीट करने के लिए हम यहाँ पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर एरो पर लगा देंगे तो ये हमारा प्रीहीट होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, और ये हमारा ओवन प्रीहीट हो रहा है। और जैसे ही प्रीहीट हो चुका होगा ये लाइट हमारी ऑफ हो जाएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ओवन हमारा प्रीहीट हो चुका है। तो चलिए इसे प्रीहीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपने केक को हम बेक करेंगे। और ये ओवन अच्छे से प्रीहीट हो चुका है, तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं ऐसे, और इस केक वाली डिश को इसके अंदर रख देंगे और इसे कवर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें टेम्परेचर सेट करने के लिए इस तरीके की नॉब होती है। यहाँ पर टाइम की नॉब नहीं होती है, केवल टेम्परेचर की नॉब होती है। और इस टाइप का वायर से ये अटैचमेंट होता है। बहुत ही पुराना ओवन है जिसे इलेक्ट्रिक ओवन या इलेक्ट्रिक ओवल ओवन भी कहते हैं। इसमें मिनिमम टेम्परेचर जो है 100 है और मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर 220 है। इस ओवन में आप केक, पिज्जा, ब्रेड आसानी से और बहुत ही परफेक्टली बेक कर सकते हैं। बस आपको एक्यूरेट टाइम का टाइम पता होना चाहिए। वैसे प्रीव्यू दिखता रहता है, आपको दिख जाएगा कि कैसे बेक हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ 100 से ये नॉब शुरू हो रही है। आप देख सकते हैं ये लाइट जल जाती है जैसे ही ऑन होता है, और यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 220 है। और यहाँ कैसे पता चलेगा, यहाँ पर एक छोटा सा एरो बना हुआ है, इसी एरो के सामने आपको जो भी टेम्परेचर है वहां तक लाना होता है। जैसे प्रीहीट मुझे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर करना है इसे, और मुझे बेक भी करना है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जो 200 टेम्परेचर है हमारा, उसी एरो के ठीक सामने हम ऐसे सेट कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा 200 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर यहाँ सेट हो जाएगा। और अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो और भी ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं। बीच में लाइट ऑन ऑफ होती रहती है, ये इसलिए क्योंकि जब ओवन का टेम्परेचर उसी के बराबर रहता है, मतलब 200 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन हो जाता है, तो ये ऑटो कट से ऑफ हो जाता है। और जैसे ही 200 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होने लगता है तो फिर से ये ऑटो कट से ये ऑन हो जाता है। ऑन ऑफ प्रोसेस होती रहती है। कभी कभी लगता है ओवन बंद हो गया क्या, नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये ऑटो कट से चलता है। अगर 200 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही मेंटेन हो जाता है वैसे ही यहाँ पर लाइट ऑफ हो जाती है और ओवन थोड़ी देर के लिए ऑटो कट हो जाता है। और जैसे ही ओवन का टेम्परेचर डाउन होने लगता है फिर से ओवन अपने से स्टार्ट हो जाता है, फिर से 200 डिग्री सेंटीग्रेड
पीरियड और जो भी कोई भी टेम्परेचर जो आप लगाते हैं उसको मेंटेन करता है और फिर से ऑटो कट हो जाता है। तो यानी कि केवल इसमें टेम्परेचर की नॉब है, टाइम की नॉब नहीं है। इसे हैंडल करना बहुत ही आसान होता है, इसे कोई भी हैंडल कर सकता है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर टेम्परेचर सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड कर लिया है। अब हम इसे 55 से 60 मिनट इस केक को बेक कर लेंगे। तो चलिए इसे बेक कर लेते हैं। और सबसे बड़ा जो पॉइंट है इस ओवन को यूज़ करने के लिए कि इसमें जो प्रीव्यू है वो आसानी से दिखता रहता है। आप देख सकते हैं कि आपका केक बर्न तो नहीं हो रहा है और ये बहुत ही स्लोली बेक होता है। और जो भी केक बहुत ही स्लोली बेक होता है वो केक बहुत ही सॉफ्ट तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं हमारा केक यहाँ पर अच्छे से बेक हो चुका है। और इसे बेक करने में मुझे 60 मिनट यानी कि एक घंटे का टाइम लगा है, लेकिन ये केक बहुत ही अच्छा बेक हुआ है। तो चलिए इसे हम ओपन करते हैं, उसे चेक करते हैं कैसा बेक हुआ है। तो अब हम इस केक को किसी भी टूथपिक की मदद से इसे हम चेक कर देंगे। हमारी टूथपिक यहाँ पर बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। तो इसे हम ओवन से बाहर कर लेंगे। आप किसी कपड़े की मदद से इसे बाहर कर सकते हैं या फिर आपके पास अगर ग्लव्स हो तो आप ग्लव्स की मदद से ऐसे आप इसे बाहर कर सकते हैं। और ये केक हमारा ठंडा हो चुका है, तो चलिए इसे अनमोल्ड कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा केक बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है। तो इसके बटर पेपर को हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे। तो आप इस क्रिसमस में इस केक को ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।